उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों का डिजिटल अटेंडेंस लगाने संबंधित निर्णय अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। यह निर्णय मंगलवार को मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के साथ हुई शिक्षक संगठनों की बातचीत के बाद लिया गया है। वहीं शिक्षकों की समस्याओं और सुझावों को सुनने और समाधान के लिए एक विशेषज्ञ समिति भी गठित की जाएगी, जो सभी आयामों पर विचार कर इसमें सुधार के लिए अपने सुझाव देगी। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा पिछले दिनों यह आदेश जारी किया गया कि 8 जुलाई से परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस लगेगी। इसके साथ ही स्कूलों के एक दर्जन रजिस्टर भी डिजिटल अपडेट होंगे। शिक्षकों ने इस निर्णय का विरोध किया और 8 जुलाई से पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन विरोध शुरू कर दिया। सोमवार को भी शिक्षकों ने पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालय और BSA कार्यालय पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया था। और ये बहुत अच्छी खुशखबरी है कि ये ऑनलाइन अटेंडेंस का आदेश स्थगित कुछ समय के लिए कर दिया है, और ये काफी अच्छा है हम सबके लिए कि हम पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन ये एक थोपा जा रहा है कि जबरदस्ती टाइम से आओ, टाइम से हम अच्छा काम करेंगे और टाइम से आएंगे, और हमारा जो मानसिक दबाव हम पर पड़ रहा है उससे हम मुक्त हो गए।